है यार, थोड़ा सा एंजॉयमेंट हो जाता है बच्चों का। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिलदार व्लॉग्स के साथ मैं हूं अबरार हुसैन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ईद मेला शुरू हो चुका है और ये मेला तकरीबन 10 दिन तक जारी रहेगा, तो इसकी लोकेशन भी मैं आपको बताता चलूं कि ये है कहां पर। अगर आप FTC की तरफ से आते हैं तो थोड़ा सा आगे चलकर सिग्नल के साथ है और NMC के बराबर में सिग्नल के साथ है, तो जल्दी आइएगा, ये मौका हाथ से मत जाने दें, बच्चों को साथ लाएँ और इन्जॉय करें। देख रहे हैं ईद बसंत मेला लग चुका है इस टाइम पे और ये टिकट घर है और 50 रुपये एंट्री फीस है और ये देख रहे हैं आप क्राउड मार्च सही है, वहाँ से हमने टिकट ले ली है और यहाँ पे टिकट चेक हो। दोस्तों इस टाइम मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ना, वहाँ पे देखने के लिए बहुत से लोग बेचैन होते हैं और इस टाइम मैं मुमताज़ बेगम के पास आया हूँ और मैं चाहता हूँ आप भी देखें, आइए हमसे गपशप लगाएं। मुमताज़ बेगम इस टाइम हमारे सामने मौजूद हैं और बच्चे इसको बड़े शौक से देखते हैं और आइए इनसे बात करते हैं। ये आपके सामने दुम भी लाएगी, दुमे लाना बेटा, ये देखें आप। बच्चों की ईद है यार। बाहर से तो देखा ये इनके दिमाग में ये चीज़ें नहीं थी। अस्सलामुअलैकुम भाईजान, आज मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये बहुत ही ख़तरनाक जगह है और जहाँ पे मौत का कुआँ जो आप देख रहे हैं, ये मैं इस टाइम मौत के कुएँ के अंदर मौजूद हूँ और ये हमारे भाई हैं जो यहाँ पे कार भी चला रहे हैं और बाइक भी चला रहे हैं, तो आइए इनसे जानते हैं कि आपको इस चीज़ से इतना डर नहीं लगता। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, आपका नाम क्या है? मोहम्मद इस्माइल। इस्माइल भाई पहले तो ये बताएं, आप इतना रिस्की काम लेते हैं, आपको इधर से खौफ नहीं आता? खौफ आता है, क्यों नहीं आता, जिंदगी हर किसी को प्यारी होती है, जिंदगी क्यों प्यारी नहीं है भाई, रोजी करनी है, रोजी के लिए करते हैं।